हेलो गाइस, कैसे हैं आप? माय नेम इज़ सीए विवेक धर्मशी और आज हम जो वीडियो बना रहे हैं ये वीडियो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिलेटेड। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम जो टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं वो है गारंटी। हमने इंडेमनिटी पर पहले ही एक वीडियो बना लिया है और इस बार अब हम गारंटी शुरू कर रहे हैं, तो आइए जल्दी से देखते हैं क्या कहता है गारंटी और क्या है। प्लीज़ मेक अ नोट, गारंटी जो है वो सेक्शन 126 से लेकर 147 तक जाता है। ये इस वीडियो का पार्ट वन है, इसके आगे भी हम लोग उसके और पार्ट्स बनाएंगे। पार्ट वन में हम गारंटी के ये चार सेक्शंस पर फोकस देंगे, 126, 127, 128 एंड 129। यस, इन चार सेक्शंस पर हम लोग फोकस देंगे, तो आइए जल्दी से देखते हैं क्या कहते हैं ये सेक्शंस। नाउ सबसे पहले सेक्शन 126। गाइस सेक्शन 126 क्या कहता है? सेक्शन 126 आपको गारंटी, श्योरिटी, डेटर और क्रेडिटर इन चार शब्दों का अर्थ बड़े ही अच्छी तरह से बताएगा। कौन से चार शब्द? गारंटी, श्योरिटी, डेटर और क्रेडिटर। दो मिनट हम लोग पढ़ लेंगे, फिर मैं आपको एग्जांपल से भी बता दूं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अब इसमें जो तीन लोग हैं इनके नाम क्या है? श्योरिटी जो गारंटी देता है, डेटर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन, एंड क्रेडिटर पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन। प्लीज मेक अ नोट, गारंटी में थ्री पार्टीज आर इन्वॉल्व। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल की तरह बता दूं, अब इस एग्जाम्पल में देखिए आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। लेट अस कंसिडर दैट देर आर थ्री पीपल, ए, बी एंड सी। अभी गाइस ए ने बी को बोला कि तू सी को 10,000 रुपीस दे। किसको बोला? बी को बोला। क्या बोला? कि तू इसको 10,000 रुपीस दे। तो बी ने बोला कि भैया मैं सी को 10,000 रुपये दूंगा और क्यों दूं, मतलब सी क्या मुझे लौटाएगा? तो उसने बोला हाँ सी जो है तुझे समय पर दे देगा। लेकिन बी ने कहा कि अगर 10,000 रुपये मैं तो आज सी को दे दूं, लेकिन अगर सी ने मुझे नहीं लौटाए तो ए ने गाइस बी को गारंटी दी है। क्या गारंटी दी है? कि अगर सी ने तुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे पैसे दे दूंगा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? तो अब इस सिचुएशन में अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे, इस सिचुएशन में ये जो तीन लोग हैं, कौन से तीन लोग हैं? ए, बी और सी। इसमें ए ने गारंटी ली थी, तो ए को हम क्या कहेंगे? श्योरिटी। ए को क्या कहेंगे? श्योरिटी। क्यों ए को श्योरिटी? क्योंकि ए ने गारंटी ली है। अच्छा, पैसे किसने किसको दिए थे? पैसे बी ने सी को दिए थे और सी जो है वो बी को रीपे करने वाला था, लेकिन श्योरिटी ने सी की गारंटी दी है कि अगर नहीं दिया तो मैं दे दूंगा। इसका मतलब सी कौन है? सी है डेटर, क्योंकि बी को सी से पैसे लेने थे तो सी है डेटर। लेकिन ये जो श्योरिटी है, ये जो ए ने श्योरिटी दी है, ये जो गारंटी दी है, किसको दी है? बी को। बी को सी से पैसे लेने, तो बी क्या है? बी है क्रेडिटर। बी है क्रेडिटर। क्या क्लियर हो गया आपको? तो गारंटी में हमेशा तीन लोग होते हैं, एक प्रिंसिपल, डेटर एंड क्रेडिटर, जो कि यहां पर दो लोग हो गए, और श्योरिटी विच इज थर्ड। श्योरिटी ऑलवेज गिव्स द गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ डेटर कि अगर इसने पैसे नहीं दिए ना तो मैं तुझे पैसे दे दूंगा। आई बात समझ में? अब अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल नीचे की तरफ आप देखिए, यहां पर क्या कहता है? ए ने हाउसिंग लोन लिया है LIC हाउसिंग से, ठीक है? ए ने LIC से एक लोन लिया है, LIC हाउसिंग से अपने घर के लिए एक लोन लिया है। और गाइज बी ने प्रॉमिस किया है कि अगर ए ने नहीं दिया ना पैसे तो मैं दे दूंगा। बताइए अब यहां पर कौन क्या है? यस, अब बराबर है, बी जो है वो बनेगा श्योरिटी। अब आपको समझ में आ रहा है कि जो गारंटी देता है वो कौन बन जाएगा? श्योरिटी। किसके लिए गारंटी दे रहा है वो? किसकी गारंटी ले रहा है वो? भैया वो गारंटी ले रहा है ए की, तो ए क्या बन जाएगा? डेटर। सही है, ए बन जाएगा डेटर। और ये गारंटी किसको दी जा रही है? LIC को दी जा रही है। क्या दी जा रही है? कि भैया अगर ए ने नहीं दिया ना तो मैं दे दूंगा, तो LIC क्या बन जाएगा? LIC बन जाएगा
क्रेडिटर। क्या अब एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि गारंटी में तीन लोग रहेंगे, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। अब आपको यहाँ पर ये फिर से मैं अगर सेक्शन 126 अच्छी तरह से समझाऊँ तो क्या समझेगा क्या? अब हम फिर से डेफिनेशन देखेंगे क्या है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट आई विल परफॉर्म द प्रोमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। मतलब डिफॉल्ट होने पर मैं ये वादा करता हूँ कि उसका जो भी डेट बनता था, जो भी लाइबिलिटी बनती थी, मैं वो आपको पे करूँगा। क्लियर है? अब आप देख सकते हैं श्योरिटी का मतलब क्या है, जो गारंटी देता है। डेटर का मतलब क्या, जिसके लिए गारंटी दी गई है। और क्रेडिटर का मतलब जिसे गारंटी दी गई है। क्या अब एकदम क्लियर हो गया? श्योर अबाउट दिस? सो हम लोगों ने सेक्शन 126 की डेफिनेशन को समझा और ये समझा कि इसमें तीन लोग रहते हैं। अब अगर आप यहाँ पर एकदम छोटी सी एक लाइन है, आप अगर उसको देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, इट मे बी ओरल और रिटन, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्लियरली एक्ट कहता है कि सेक्शन 126 कहता है कि गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स ओरल भी चलेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो राइटिंग में ही रहें। तो याद रखना है कि सेक्शन 126 में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरल भी चलेगा, राइटिंग की आवश्यकता नहीं है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो इस डेफिनेशन से हमें आगे क्या समझ में आ रहा है? ये कहता है, फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट वेयर बाय देर आर थ्री पीपल, डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। अब ये जो तीन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो देखिए उन्होंने क्या बोला है, ध्यान से देखिए। एक तो आपका हो गया श्योरिटी, एक हो जाएगा क्रेडिटर और यहां पर हो जाएगा डेटर। अब बड़े ध्यान से देखिए कितने कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। सबसे वो कहता है पहले तो एक प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किन के बीच में, क्रेडिटर और डेटर के बीच में एक होगा प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट कि भैया मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, होम लोन दे रहा हूँ और आप मुझे समय पे पैसे दे दोगे, ये हो गया प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसके साथ एक क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब ये सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बनेगा, श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में बनेगा। इनके बीच में ये जो सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट है, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि जिसके लिए आप गारंटी दे रहे हो, कल जाके अगर उसने नहीं पैसे चुकाए तो आप मुझे पैसे दोगे। तो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट तो किसके बीच में होता है, डेटर क्रेडिटर। लेकिन एक सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होगा, क्रेडिटर के और श्योरिटी के, जिसमें श्योरिटी क्या बोलता है, श्योरिटी कहता है कि अगर मुझे पैसे नहीं मिले, मतलब क्रेडिटर श्योरिटी उसको कहता है कि अगर तुझे पैसे नहीं मिले तो मैं तुझे टाइम पर पैसे दे दूंगा। क्लियर है? और एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है भैया, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में, श्योरिटी और डेटर के बीच में एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है गाइज, पेरेंट्स को छोड़ के कोई फुकट में मिलता है क्या? तो श्योरिटी ने, पेरेंट्स हमारे लिए निस्वार्थ होकर सब चीज़ करेंगे भैया, बाकी कोई चीज़ फ्री में नहीं है दुनिया में। तो श्योरिटी ने तो डेटर के जो लाइबिलिटी थी वो चुका दी। लेकिन एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है गाइस कि जब श्योरिटी डेटर को अपनी सब लाइबिलिटी से मुक्त कर देगा तो डेटर श्योरिटी को उसका पैसा चुकाएगा। यस, ये मिसकंसेप्शन बिल्कुल भी ना रखिए कि बस जिस बिकॉज कि किसी ने हमारी गारंटी दे दी हम अब अपने को टेंशन नहीं, अब डुबाओ पैसे, ऐसा नहीं होता। कोई गारंटी हमें इसलिए देता है कि भैया ठीक है अगर आप पैसे नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, आपकी लाइबिलिटीज टाइम भी इनके लिए श्योरिटी आपको रिलीव कर देगा अपनी लाइबिलिटीज से, जहां पर वो खुद पैसे दे देगा, लेकिन श्योरिटी तो आपसे पैसे बाद में वसूलेगा। तो जो एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में, एक श्योरिटी के बीच में और एक डेटर के बीच में, कि जिस दिन मैं तुझे तेरी लाइबिलिटीज से मुक्त कर दूं तुम बाद में मुझे मेरे को मेरे पैसे चुका देगा। तो याद रखना है कि इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट जो हमने पहले देखा उसमें सिर्फ दो ही लोग रहते थे। कौन दो रहते थे, एक इंडेमनीफायर और एक इंडेमनिटी होल्डर। तो जब दो लोग रहते थे तो कितने कॉन्ट्रैक्ट बनते थे, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता था। अब गारंटी में कितने लोग हैं, तीन लोग हैं, तो यहाँ पर अब कितने कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं, तीन कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं। एक किसके बीच में है, डेटर और क्रेडिटर, दूसरा किसके बीच में है, क्रेडिटर और श्योरिटी, और तीसरा किसके बीच में है, श्योरिटी और डेटर के बीच में, डेटर क्रेडिटर, श्योरिटी क्रेडिटर एंड श्योरिटी डेटर। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी?
चलिए अब अगर आप नेक्स्ट देखेंगे, कुछ फीचर्स देख लेंगे हम लोग गारंटी के। तो क्या फीचर्स हैं गारंटी के, बड़ी ध्यान से देखिए। पहला है प्रिंसिपल डेट, कॉमन सेंस गाइस, कोई लाइबिलिटी तो रहनी चाहिए ना। अगर कोई लाइबिलिटी ही नहीं है तो कैसी गारंटी। तो रूल कहता है देयर शुड बी समवन लाइबल एज अ डेटर, और श्योरिटी फिर उसकी लाइबिलिटी चुकाने की एक अंडरटेकिंग लेगा। लेकिन अगर कोई प्रिंसिपल डेट है ही नहीं तो कैसी गारंटी। तो सबसे पहला बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो वो क्या कहता है, द असेंस ऑफ गारंटी है कि देयर इज सम डेट, देयर इज अ डेटर, देयर इज अ पर्टिकुलर पर्सन जिसको किसी को पैसे चुकाने हैं, तभी जाकर गारंटी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। जहां पर श्योरिटी ये एक अंडरटेकिंग देगा, एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि तेरे डिफॉल्ट पर मैं चुकाऊंगा। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट कंसिडरेशन, अब ये बहुत मस्त पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, और प्लीज यहां पर आप तो ध्यान से देखें, कंसिडरेशन इज सेक्शन 127। तो अगर आप दो मिनट यहां पर देखेंगे, मैंने पीछे बताया था, ये देखिए सेक्शन 127 कंसिडरेशन फॉर गारंटी। अब ये क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। अब इस वाले केस में थोड़ा समझिए, बहुत बार, अच्छा हम मुझे बताइए, पहले आपको ये तो याद होगा कि हमने CA फाउंडेशन में देखा था कि एन कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड, राइट, इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन हो नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वॉइड एब इनिशियो। सही बात है। तो अब यहाँ पर मैंने पहले क्या लिखा है, विदाउट अ गारंटी, विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। सही बात है, अगर कंसिडरेशन ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा क्या होगा, वॉइड होगा। बट यहां पर लिखा है देयर नीड नॉट बी एनी डायरेक्ट कंसिडरेशन बिटवीन श्योरिटी एंड क्रेडिटर। बहुत मस्त है। अब इसका मतलब क्या, थोड़ा ध्यान से देखिए, इधर एकदम परफेक्टली देखिए। अब समझ लीजिए कि डेटर और क्रेडिटर में 10,000 रुपये की लेन देन हुई थी। मतलब क्या हुई थी, 10,000 रुपये जो है वो किसने किसको दिए थे, वो दिए थे क्रेडिटर ने डेटर को। सही बात है, वो किसने दिए थे, क्रेडिटर ने डेटर को दिए थे। और डेटर को क्या करना था भैया, ड्यू डेट पर जो है वो पैसे फिर से क्रेडिटर को चुका देने थे। लेकिन ये समझौता कब हुआ था, जब श्योरिटी ने डेटर की गारंटी ली कि अगर इसने तुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे पैसे दे दूंगा। क्लियर है, परफेक्ट है। अब कल जाकर इस डेटर ने क्रेडिटर को पैसा चुकाने में डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है, डिफॉल्ट कर दिया। तो क्रेडिटर अब श्योरिटी के पास जाएगा और श्योरिटी को क्या बोलेगा कि श्योरिटी मुझे जो है तो अब आप पैसे दे दो, क्योंकि आपने जिसकी गारंटी ली थी वो तो डूब गया। अब श्योरिटी कह रहा है उसको पोपट पोपट, क्यों ऐसा, श्योरिटी कह रहा है मैंने तुझे गारंटी दी बट तूने मुझे क्या दिया, तेरे तरफ से क्या कंसिडरेशन था कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मानूं, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड नहीं है और मैं तुझे कोई भी पैसे नहीं दूंगा। बताइए अगर ऐसा होगा तो कैसे चलेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में ये जो एक्ट है, इस सेक्शन में क्लियर कट लिखा है कि माना के श्योरिटी ने क्रेडिटर को गारंटी दी और क्रेडिटर के तरफ से श्योरिटी के पास कुछ भी नहीं गया है, कोई कंसिडरेशन पास नहीं हुआ है, लेकिन श्योरिटी के बोलने पर क्रेडिटर ने ये जो 10,000 रुपये दिए, कैन यू सी दिस, यहाँ पर ये जो डेटर था ये क्रेडिटर ने 10,000 रुपये कब दिए, जब श्योरिटी ने बोला। तो रूल कहता है भले ही क्रेडिटर की तरफ से श्योरिटी कोई कंसिडरेशन पास ना हुआ हो, लेकिन श्योरिटी के बोलने पर ही तो क्रेडिटर ने डेटर को 10,000 रुपये दिए, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कंसिडरेशन फॉर गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। एकदम क्लियर हो गया। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, बट देयर मे नॉट बी एनी डायरेक्ट कंसिडरेशन बिटवीन श्योरिटी एंड क्रेडिटर। क्लियर है। सो एज पर सेक्शन 127 कंसिडरेशन रिसीव बाय द डेटर इज सफिशिएंट consideration to surety for giving the guarantee, past consideration is no consideration for the contract of guarantee, that is okay।
अब ये वाला पॉइंट जो है मैं इसको एकदम अच्छी तरह से हाईलाइट कर दूं, आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या कह रहा हूं मैं। ये वाला पॉइंट देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है, ये वाले पॉइंट को समझिए। ये कह रहा है इवन इफ द डेटर इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, गाइस द गारंटी विल बी वैलिड। अगर डेटर इनकम्पिटेंट है तो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। बट अगर श्योरिटी इनकम्पिटेंट है तो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस कॉमन सेंस, बिकॉज श्योरिटी अगर इनकम्पिटेंट है तो कैसी गारंटी, आप समझ रहे हैं। अगर श्योरिटी ही माइनर है तो अल्टीमेटली तो वो क्रेडिटर उससे तो वसूल ही नहीं पाएगा, तो ये गारंटी का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि अगर डेटर इनकम्पिटेंट है तो गारंटी वैलिड रहेगी, बट अगर श्योरिटी जो है वही इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तो गारंटी जो हो जाएगी वो वॉइड हो जाएगी। क्लियर है? तो कुछ फीचर्स ऑफ गारंटी हम देख रहे हैं। सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया भैया, आपको समझ में आ गया कि प्रिंसिपल डेट, भैया देर शुड बी सम लाइबिलिटी, देर शुड बी अ डेटर जिसके बिहाफ पर गारंटी दी जाए। अगर वो डेट ही नहीं है, कोई पैसे ही नहीं देने, तो क्या मतलब। सेकेंड हमने क्या देखा, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि भाई कंसिडरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है टू मेक एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर कोई कंसिडरेशन ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रहता ही नहीं है, वो वर्ड ऑफ इश्यू है। लेकिन यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि क्रेडिटर से श्योरिटी को एक डायरेक्ट कंसिडरेशन जाए। अगर कोई कंसिडरेशन क्रेडिटर से डेटर की तरफ गया और वो क्या गया, भैया श्योरिटी के बोलने के बाद ही आपको पैसे दिए हैं, तो दैट विल बी अ वैलिड कंसिडरेशन टू मेक दिस गारंटी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, अब और कुछ फीचर्स। फर्स्ट, लाइबिलिटी शुड बी एग्जिस्टेंस। लाइबिलिटी जो है वो एग्जिस्टेंस में रहनी चाहिए। मतलब क्या गाइस, जो लाइबिलिटी के लिए श्योरिटी गारंटी दे रहा है इट शुड बी लीगली एनफोर्सेबल एंड नॉट टाइम बार्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड टाइम बार्ड, हमारा लिमिटेशन एक्ट 3 साल। तो जो लाइबिलिटी है वो लीगली एनफोर्सेबल होनी चाहिए और टाइम बार्ड नहीं होनी चाहिए। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, गारंटी जो है वो कभी भी मिसरिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट पर आधार ना हो। याद रखें कि ये जो सेक्शन 142 है ये जाएगा मिसरिप्रेजेंटेशन का, और ये जो सेक्शन 143 है ये कंसीलमेंट पर चर्चा करता है। आपको मैंने पहले ही बताया ये जो हम पार्ट वन बना रहे हैं हम ये सिर्फ 126, 127, 128 और 129 की चर्चा कर रहे हैं। हम 142, 143 में आगे और भी चर्चा करेंगे, बट मैं थोड़ा सा बता दूं गाइज, अगर बताइए आप श्योरिटी को झूठ बोलकर उसकी गारंटी लो। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डेटर क्रेडिटर के बीच में बहुत बार ट्रांजेक्शन हुआ है जहाँ पर जो कंसर्न पर्सन है उसने बहुत बार डिफॉल्ट किया है, और फिर एक बार कहीं पर एक दिन क्रेडिटर ने एक श्योरिटी को बोला कि अब तो मैं इसके साथ ट्रांजैक्शन तभी करूंगा जब आप इसकी गारंटी लोगे, राइट? और जरा समझिए कि अगर उस श्योरिटी की गारंटी लेने के पहले आपने कभी उसको बताया ही नहीं कि अरे ये जो आप जिसकी गारंटी दे रहे हो ना, इसने पास्ट में भी बहुत डिफॉल्ट किया है, ये हमेशा डिफॉल्ट करता है, आप उसको कुछ झूठ बोलते हो, अब श्योरिटी को सब सच नहीं बताते हो, तो फिर ऐसी श्योरिटी से ली हुई गारंटी अगर श्योरिटी को बाद में पता चल गया तो वो इनवैलिड हो जाएगी, आप श्योरिटी से पैसे नहीं ले सकते। कंसीलमेंट का मतलब होता है साइलेंस, मतलब क्या कि भैया आपने जो चीज़ बतानी चाहिए थी वो बताई नहीं। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है आपने झूठ बोला, सच नहीं बताया। तो मिसरिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट दोनों ही चीज़ों में अगर आपने श्योरिटी को झूठ बोला हो या जो बोलना चाहिए था वो ना बोला हो तो ये जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है ये इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, राइटिंग नॉट नेसेसरी। अब बताइए ये वाली जो चीज़ है राइटिंग नॉट नेसेसरी, ये तो मैंने आपको पहले ही बताई थी, राइटिंग नॉट नेसेसरी। अब यहाँ पर राइटिंग नॉट नेसेसरी जो है वो सेक्शन 126 में आता है, और ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको ये देखिए मैंने आपको बताया था कि राइटिंग में इट इज़ नॉट कंपल्सरी, तो दैट इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। एंड द वन मोर पार्ट इज जॉइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटीज़, ये सेक्शन 144 में है, इसको हम आगे भी और चर्चा करेंगे, बट मैं आपको फिर से एक जिस्ट तो बता ही दूंगा। अभी जॉइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है, बड़े ध्यान से देखिए, जॉइनिंग ऑफ को श्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है, समझ के चलिए कि जो ए है, ठीक है, ये जो है ये श्योरिटी है, ठीक है, बी और सी हम जो कैरेक्टर्स हैं उसको सेम रखेंगे। तो ये जो बी है मैं इसको भी बना देता हूँ क्रेडिटर, और ये जो सी है मैं इसको बना देता हूँ डेटर, ठीक है। अब ये जो बी और सी है इनके बीच में एक ट्रांजेक्शन होना था, लेकिन बी ने सी को बोला कि भैया मैं तो आपको पैसे तभी दूंगा
जब आपकी कोई गारंटी ले। तो उन्होंने ए को अप्रोच किया और बोला कि क्या ए आप अप्रो आप हम आप इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की एक गारंटी लोगे? तो ए ने बोला मैं श्योरिटी देने को तैयार हूं, सब्जेक्ट टू मिस्टर डी भी मेरे साथ साथ को श्योरिटी बने। को श्योरिटी का मतलब है दो लोग मिलकर गारंटी लेंगे। आई बात क्लियर में? तो ए ने क्या बोला? ए ने बोला मैं श्योरिटी देने को तैयार हूं लेकिन सब्जेक्ट टू डी भी मेरे साथ श्योरिटी बने, मेरे साथ को श्योरिटी बने। तो बी और सी ने कहा ठीक है। तो बी और सी ने डी को अप्रोच किया और बोला कि क्या आप इसकी गारंटी लोगे? और डी ने जो है साफ मना कर दिया। गाइज, अगर डी ने को श्योरिटी बनने से मना कर दिया तो ए की दी हुई गारंटी इनवैलिड हो जाएगी, आप ए से पैसे नहीं ले सकते। तो ये एकदम क्लियर समझ में आ गया आपको कि जब कोई ऐसी कंडीशन रखता है कि मैं श्योरिटी दे रहा हूँ, सब्जेक्ट टू मेरे साथ कोई और भी को श्योरिटी बने, तो ऐसे समय में आपकी गारंटी इनवैलिड हो जाएगी। अगर सामने वाला जिसको आप अपने साथ को श्योरिटी बनाना चाहते हो उसने को श्योरिटी बनने से इनकार कर दिया। क्या ये क्लियर है? सो ज्वाइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटीज जो सेक्शन 144 में आता है, ये कुछ फीचर्स है गारंटी के जो हमने अभी यहाँ पर चर्चा करें। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर देर इज अ वेरी नाइस चार्ट एंड वी आर लर्निंग नाउ व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ गारंटी, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ गारंटी, जिसमें से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कंटिन्यूइंग गारंटी है ये सेक्शन 129 के अंदर आता है। ठीक है, अब पहले थोड़ा समझिए गारंटी का कैसा है। एक तो गारंटी आपने पर्सन की ली है या पैसों की ली है। ठीक है, आपने गारंटी एक तो पैसों की ली है या किसी व्यक्ति की ली है। अब आप बोलेंगे सर ये व्यक्ति की गारंटी कैसे ली जा सकती है, तो थोड़ा समझिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे क्लास में इस अटेम्प्ट में समझ के चलिए कि 20 लोग जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। ठीक है, अब मेरे को एक इंडस्ट्री एक कंपनी से कॉल आया और कहा कि हमें जो है एक फ्रेशर एक नया जो अभी बंदा जो सीए बना है उसकी रिक्वायरमेंट है, तो आपकी नज़र में अगर कोई है जो अच्छा काम कर सके तो आप प्लीज़ हमें बताइए, हमें उसका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिए एंड हम उसको जॉब पे रखना चाहेंगे। तो मैंने लेट अस से फॉर एग्जांपल मेरे क्लास में एक स्टूडेंट था और मिस्टर ए, और मैंने उसका नाम दिया और मैंने कहा कि आप इसको जॉब पे रख लीजिए, बहुत ही अच्छा बंदा है और ये अच्छी तरह से काम करेगा। तो कंपनी ने कहा पक्का कल जाकर कोई फ्रॉड व्रॉड तो नहीं कर देगा? तो मैंने बोला अरे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस व्यक्ति की गारंटी लेता हूँ और अगर इस व्यक्ति की वजह से आपको कोई लॉस होता है तो मैं उसकी भरपाई करके दूंगा। अब आप देख सकते हैं मैंने एक व्यक्ति की गारंटी ली है। जब हम कोई व्यक्ति की गारंटी लेते हैं तो उसे कहते हैं फिडेलिटी गारंटी। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर। फिडेलिटी गारंटी, फिडेलिटी गारंटी का मतलब होता है किसी व्यक्ति की गारंटी लेना। अब ये गारंटी क्या होती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इट इज़ द गारंटी फॉर द गुड कंडक्ट एंड ऑनेस्ट बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है एवरीबडी? तो जब आप कोई पर्सन की गारंटी लेते हो तो उसे हम क्या कहेंगे, फिडेलिटी गारंटी। अब अगर आप इस तरफ देखेंगे, इस तरफ क्या है, इस तरफ बात करी गई है कि भैया अगर आपने पैसों की गारंटी ली। अब मैंने थोड़ा उसको दो तरीके से बांटा है, देखिए समझ लीजिए, यहाँ पर एक दो तीन चार, चार तरीके नहीं है, यहाँ पर मैंने दो तरीकों से बांटा है। तो आप एक तरीके से समझ लीजिए टाइम के हिसाब से अगर हम बांटें तो देयर आर टू थिंग्स, एक रेट्रोस्पेक्टिव और एक प्रोस्पेक्टिव। अब ये रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव क्या है थोड़ा समझिए। तो समझिए अगर फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने किसी की गारंटी ली, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कार के शोरूम में विजिट कर रहा था, ठीक है, और वहाँ पर मेरा पहले से एक फ्रेंड था जो उस कार शोरूम के ओनर से डिस्कस कर रहा था। मैं वहाँ पर गया, मैंने मिला और मैंने कहा क्या हुआ, तो उस कार के ओनर ने कहा कि सर ये इन्हें कार लेनी है लोन पर, बट हम इन्हें नहीं दे सकते इतना लोन बिकॉज हमें लगता है कि ये डुबा देंगे, ये नहीं चुका पाएंगे। तो मैंने कहा भैया आप डरिए मत, आप बिंदास इन्हें कार लोन पर दीजिए। और मैंने वहाँ पर जो फाइनेंस का वाला बंदा था उसको कहा कि आप बिंदास जो कार जो है वो उन्हें लोन पर दीजिए, फाइनेंस कर दीजिए, अगर इन्होंने कभी डिफॉल्ट किया तो मैं आपको इसका पैसा भर के दूंगा। अब यहाँ पर ये मेरे बोलने के बाद डेटर और क्रेडिटर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोस्पेक्टिव गारंटी, जो कोई फ्यूचर में डेट की गारंटी ली जाती है। क्लियर है? ये रेट्रोस्पेक्टिव कैसे होगा फिर, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल को सुनिए मेरे।
तो मैं क्लास से एक दिन नीचे जा रहा था, तो क्लास के 3-4 बच्चे एक लड़के को मार रहे थे। तो जब मैंने उनको रुकाया और मैंने बोला क्यों मार रहे हो, तो उन्होंने कहा सर इसने हमसे 6 महीने पहले सबसे 10-10 हज़ार रुपये लिए थे और इसने कहा था कि हमें 2 महीने में लौटाएगा, लेकिन अब तक इसने हमें हमारे पैसे नहीं दिए और आज 6 महीने हो गए तो हम इसे मार रहे हैं। अब देखिए इनका दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, इन 4 लोगों ने उस व्यक्ति को पैसे दे दिए हैं और अब वो व्यक्ति जो है वो पैसे नहीं दे रहा है, मतलब पैसों का लेन देन जो व्यवहार है वो हो चुका है। तो अब मैंने उन्हें कहा कि देखिए बिल्कुल मारना बंद कर दीजिए, एक काम कीजिए, मैंने उस व्यक्ति को कहा भैया तेरा कब तक हो जाएगा अरेंजमेंट, उसने कहा सर 1 महीना मैं कन्फर्म दे दूंगा। मैंने उन 4 व्यक्तियों को कहा ठीक है एक काम करो, तुम लोग मेरे बोलने पर इसे 1 महीना दो, अगर इसने 1 महीने में आपको पैसे अपने नहीं लौटाए तो मैं गारंटी लेता हूं मैं आपको पैसे दे दूंगा। अब आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है, आई होप मेरा एग्जांपल बहुत क्लियर और क्रिस्टल है। इसे हम कहेंगे रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी। क्यों, यहां पर मैंने गारंटी कौन से डेट के लिए है, एग्जिस्टिंग डेट के लिए। मतलब क्या है भैया, पहले ही लोन का व्यवहार हो चुका है, पहले ही एग्जिस्टिंग डेट जो है वो दे दिया गया है और उसके बाद मैंने गारंटी। आई होप यू गेटिंग दिस। सो गारंटी एक तो मेरे देने के बाद लेन देन हो तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रोस्पेक्टिव गारंटी, या तो पहले से ही पैसों का व्यवहार हो चुका है पीछे से अगर हम गारंटी देते हैं कि आप रुक जाइए ये पैसे दे देगा, तो हम उसे कहेंगे रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी। क्लियर है। अब यहाँ पर आप ये नेचर के वाइज भी आप देख सकते हैं, ये क्या कहता है, देयर आर 2 टाइप्स, एक है स्पेसिफिक या सिंपल गारंटी और एक होता है कंटिन्यूइंग गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी मतलब किसी एक ट्रांजैक्शन के लिए ही गारंटी देना और जिस दिन वो व्यवहार खत्म हो जाएगा उस दिन हमारी गारंटी भी खत्म हो जाएगी। तो लेट अस से फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड है जिसे एक शॉप से कुछ सामान क्रेडिट पर लेना था, लेकिन वो दुकानदार उसे वो सामान क्रेडिट पर नहीं दे रहा था। तो उसने मुझे कॉल कर बोला कि अरे यार कैन यू हेल्प मी, आप उस दुकानदार को कॉल कर बोलेंगे कि मुझे वो सामान दे दे क्रेडिट पर, मैं पक्का 1 महीने में पैसे दे दूंगा। तो मैंने उस दुकानदार को कॉल कहा और मैंने कहा कि भैया देखो आप उसको जो है तो पैसे दे दो, सॉरी माल दे दो, और वो पक्का आपको 1 महीने के अंदर पैसे दे देगा, और अगर उसने आपको 1 महीने के अंदर पैसे नहीं दिए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका जितना भी पैसा बनता है मैं वो आपको लौटाऊंगा। क्लियर है, इसे हम कहेंगे स्पेसिफिक गारंटी। अब मेरे बोलने पर उस दुकानदार ने उसको जो है वो गुड्स दिए और 1 महीने बाद उसने वो माल जो है उस पैसों का, वो माल का जो पैसा बनता था उसने वो दे दिया। तो कभी तक मेरे तक बात आई नहीं, मेरे को कभी मेरी श्योरिटी को एक्सरसाइज नहीं करना पड़ा, बिकॉज मैंने जिसकी गारंटी ली थी उसने बराबर से पे भी कर दिया। अब 2 महीने बाद उस व्यक्ति को फिर से कुछ गुड्स की ज़रूरत थी, तो उसने दुकानदार को जाकर कहा कि अरे मेरे को आप क्रेडिट पर माल दीजिए। तो उसने कहा नहीं नहीं आपको क्रेडिट पर नहीं दे सकते। तो उसने कहा अरे तुम्हें तो पता है यार कि मेरा एक फ्रेंड है और उसने लास्ट टाइम भी मेरी गारंटी ली थी, तो आप डरिए मत। तो उस दुकानदार ने मुझे पूछे बिना उसे माल दे दिया। इस बार जब समय ख़त्म हुआ, ड्यू डेट आई, तो उस व्यक्ति ने उसे पैसे नहीं दिए और दुकानदार ने मुझे कॉल कर कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे पैसे डुबा दिए, अब आप मुझे पैसे दे दो। अब बताइए क्या मैं लायबल हूँ? यस यू आर वेरी राइट, मैं बिल्कुल भी लायबल नहीं हूँ, बिकॉज मेरी एक 1 टाइम गारंटी थी, 2 महीने पहले हुए ट्रांजैक्शन की मैंने गारंटी दी थी, इट वॉज अ 1 टाइम गारंटी, और अगर उस वक्त वो डुबाता तो मैं आपको पैसे देने के लिए लायबल था, लेकिन इस 2 महीने बाद ये एक नया ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसकी गारंटी मैंने नहीं दी थी, तो इसके लिए आई एम नॉट लायबल। दुकानदार के पास अब एक ही ऑप्शन है, जिसको क्रेडिट पर माल दिया था अब वो उसी से वसूले। क्या एकदम क्लियर हो गया है? ये कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब होता है सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस, और ये लायबिलिटी कब खत्म होगी, जब तक आप इसे रिवोक नहीं करते। बहुत मस्त। तो अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको बड़ी ध्यान से। अब इसका क्या एग्जांपल है भैया, देखिए एक हस्बैंड था और एक वाइफ थी, ओके देयर वाज अ हस्बैंड एंड देयर वाज अ वाइफ। सो हस्बैंड ने वाइफ के लिए एक शॉपकीपर को गारंटी दी। क्या गारंटी दी? कि मेरी वाइफ जो है अगले 1 महीने तक जो भी सामान आपके दुकान पर लेने आए आप बिल्कुल भी दीजिए उन्हें क्रेडिट पर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर मेरी वाइफ ने दिया तो मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। अब मेरे को बताइए उसकी वाइफ 1 महीने में
10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, जितनी बार चाहे उतनी बार शॉपिंग कर सकती है और दुकान से माल क्रेडिट पे ले सकती है। क्यों? बिकॉज हस्बैंड ने कंटिन्यूइंग गारंटी दी थी, एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस की गारंटी दी थी। और इन सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस की गारंटी लेने का मतलब होता है कि जब तक आप ये गारंटी को रिवोक नहीं करते, मतलब क्या, आप दुकानदार को जाकर ये नहीं कहते कि भैया अब इसके बाद माल मत देना, इसके बाद अगर आपने दिया तो मैं लायबल नहीं रहूंगा। जब तक आप लायबल रहेंगे, तो इस बार अगर इस हस्बैंड ने कहा था कि एक महीने तक जो भी आप क्रेडिट पर माल देंगे मैं उसके लिए लायबल रहूंगा, तो फिर आपको लायबल रहना पड़ेगा। एक तो वाइफ दे या तो फिर शॉपकीपर उसके हस्बैंड को कॉल कर उससे भी पैसे ले सकता है। इज दिस क्लियर एवरीबडी? मैं एक पॉइंट ऐसा बोलना चाहूंगा, इस पॉइंट को भी थोड़ा सा नोट कर लेंगे। ये पॉइंट क्या है, मुझे क्या बोलना है, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये पॉइंट मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि ये जो स्पेसिफिक गारंटी है गाइज, इट इज नॉट रिवोकेबल, है ना? आप मेरे पॉइंट को समझ रहे होंगे, मैं बड़ा खतरनाक पॉइंट बता रहा हूँ कि स्पेसिफिक गारंटी के नॉट बी रिवोक्ड, राइट? आप, मैंने मेरे वो कार के शोरूम को ओनर को बोला, फाइनेंस बोला कि आप इसको कार दे दीजिए लोन पर, नहीं दिया तो मैं दे दूंगा। अब मैंने जो गारंटी दिया है, क्या मैं इसे रिवोक कर सकता हूँ बाद में 6 महीने बाद? नहीं, स्पेसिफिक गारंटीज का कभी रिवोक नहीं होती, ये आपको निभानी है क्योंकि आपके बोलने पर ही सामने वाले ने व्यवहार किया है। लेकिन याद रखिए, कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो सकता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए, रिवोक हो सकता है बट ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। जो ट्रांजैक्शंस हो गए उसका रिवोक नहीं हो सकता। लेट अस कंटिन्यू द सेम एग्जांपल। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ के लिए गारंटी ली थी, और जब वो गारंटी ली तो वाइफ ने बहुत ज्यादा शॉपिंग कर ली। अब 10-15 दिन हो गए और बहुत बार शॉपिंग कर ली थी, तो 15 दिन खत्म होते एक बार हस्बैंड शॉप के सामने से जा रहा था, उस शॉपकीपर के वो जो बंदा ओनर था उसने हस्बैंड को बुलाकर कहा, आपको पता है ना कि आपने तो 1 महीने की गारंटी दी थी लेकिन अभी तो 15 दिन हुए और आपके वाइफ ने अब तक 10 लाख की शॉपिंग कर ली। अब हस्बैंड को आ गया हार्ट अटैक, तो हस्बैंड ने कहा कि भैया मैं मेरी गारंटी रिवोक करता हूँ। अब गारंटी रिवोक करता हूँ का मतलब वो कहता है आज 15 दिन हो चुके, इसके बाद से कोई भी ट्रांजैक्शन की गारंटी अब मैं नहीं देता। इसका मतलब कल से आप मेरी वाइफ को क्रेडिट पर माल मत देना, अगर आपने दिया तो आप जिम्मेदार रहेंगे, मैं उसका पैसा देना दूंगा नहीं। लेकिन रिवोक का मतलब हस्बैंड ये नहीं कह सकता कि जो 15 दिन हो चुके, जो ट्रांजैक्शंस हो चुके वो भी नहीं देगा, वो तो आपको देने ही पड़ेंगे। तो कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो सकती है, ऑलवेज रिमेंबर, बट ओनली विथ रिस्पेक्ट टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, इट कैन नॉट बी रिवोक्ड विथ रिस्पेक्ट टू दोज ट्रांजैक्शंस विच आर ऑलरेडी डन। क्लियर है? तो आई होप ये चार्ट आपको पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है कि स्पेसिफिक और कंटिन्यूइंग गारंटी और रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव गारंटी और फिडेलिटी गारंटी, क्या ये पूरी टाइप्स ऑफ गारंटी आपको क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? चलिए नेक्स्ट। तो अभी एक छोटा सा डिस्टिंग्विश है, कुछ 7-8 पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस। सो नाउ गाइस, इट इज़ वेरी क्विक एंड यू, बिकॉज आपने इंडेमनिटी कर लिया और आपको गारंटी भी अब समझ में आ गया है। तो इंडेमनिटी में देर आर 2 पार्टीज एंड गारंटी में देर आर 3 पार्टीज, ये क्लियर है? इंडेमनिटी में 2 पार्टीज कौन सी थी? इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर। और गारंटी में कौन सी पार्टीज थी? डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। क्लियर? नेक्स्ट, इंडेमनिटी में लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है? इंडेमनीफायर की, इसलिए उसकी लाइबिलिटी को क्या बोला? प्राइमरी और अनकंडीशनल। लेकिन गारंटी में तो गाइस श्योरिटी की लाइबिलिटी जो है वो सेकेंडरी होती है और कंडीशनल होती है। ऐसा क्यों? बिकॉज प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी होती है? डेटर की होती है। तो याद रखना है, प्राइमरी लाइबिलिटी तो डेटर की होती है, ठीक है? सेकेंडरी लाइबिलिटी किसकी होती है? श्योरिटी की होती है। क्लियर है? याद रखना है, प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी होती है? डेटर की। श्योरिटी की लाइबिलिटी क्या होती है? सेकेंडरी। क्यों ऐसा? क्योंकि पहले तो किसको पैसे देने हैं? डेटर को ही पैसे देने हैं। ऐसा मतलब थोड़ी है कि आपने श्योरिटी दी, आपने गारंटी दी तो सामने वाला सीधा आकर मुझसे मांगे। पहले भैया मैंने जिससे जिसकी गारंटी दी उससे तो पैसे मांगो, उसने नहीं दिया तो ऑब्वियसली हम तो पैसे दे नहीं वाले हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, नाउ
लाइबिलिटी कब अराइज होती है, तो इंडेमनिटी में कब होती है, ऑन द हैपनिंग ऑफ सम कंटिजेंसी, अगर आपको जैसे ही लॉस होता है तो फिर सामने वाले की लाइबिलिटी आ जाती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कब होती है, जब आपने नॉन परफॉर्मेंस या नॉन पेमेंट ऑफ डेट किया हो। लाइबिलिटी कब आएगी, जब सामने वाले ने पेमेंट ना किया हो, तो क्रेडिटर ऑब्वियसली अब श्योरिटी को अप्रोच करेगा और बोलेगा कि मुझे मेरे पैसे दीजिए। क्लियर है, श्योर अबाउट दिस। नेक्स्ट, नाउ इंडेमनिटी में द इंडेमनीफायर नीड नॉट एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ indemnity holder, it is the responsibility of indemnifier to indemnify for the loss incurred, but in the guarantee obviously the surety will act at the request of debtor, debtor ke request par hi surety apni guarantee dega। Next, ab jab indemnifier indemnity holder ko apne loss jo uska jo loss hua hai indemnity holder ka uska jo loss ka compensation de deta hai, compensation dene ke baad it cannot sue the third party जिसके वजह से लॉ हुआ है। ये तभी हो सकता है अगर असाइनमेंट इंडेमनीफायर के फेवर में करी हो। आई बात समझ में एवरीबॉडी? लेकिन गारंटी में श्योरिटी तो कैन प्रोसीड अगेंस्ट द डेटर, बिकॉज उसके पास वो सब अधिकार आ जाते हैं एक बार जब वो क्रेडिटर को सब डेट्स को चुका दे। इसका मतलब क्या है कि एक बार श्योरिटी डेटर की सब लाइबिलिटीज को चुका दे, उसके बाद श्योरिटी जो है इट स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर। मतलब अब श्योरिटी डेटर से वो हर चीज हर पैसे ले सकता है जो उसने डेटर के लिए चुकाया था। इसके लिए उसको कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन इंडेमनीफायर डायरेक्ट थर्ड पार्टी से पैसे नहीं वसूल सकता। अगर इंडेमनिटी होल्डर कोई असाइनमेंट कोई राइट्स असाइन कर दे इंडेमनीफायर के हक में, तो इंडेमनीफायर थर्ड पार्टी पर केस फाइल कर सकता। नेक्स्ट, इंडेमनिटी का मतलब क्या है भैया, रीइंबर्समेंट ऑफ लॉस, और गारंटी क्यों होती है, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर के पैसे डूब ना जाए, इसीलिए गारंटी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। और इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया जाता है, बिकॉज लॉस का कंपेंसेशन के लिए। नाउ इन इंडेमनिटी ऑल द पार्टीज, ऑल मतलब कितनी, दो पार्टीज, यस इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर मस्ट बी कॉम्पिटेंट। लेकिन इन गारंटी वेयर अ माइनर इज अ प्रिंसिपल डेटर द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल वैलिड। ये हमने पीछे भी देखा था कि अगर डेटर माइनर है तो भी वैलिड होगा। कब वैलिड नहीं होगा, यू रिमेंबर, कब वैलिड नहीं होगा, जब श्योरिटी इज इनकम्पिटेंट। अगर श्योरिटी इनकम्पिटेंट है तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। जब तक श्योरिटी कम्पिटेंट है, अगर श्योरिटी कम्पिटेंट है तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वैलिड। फिर भले ही आपका जो डेटर है वो इनकम्पिटेंट हो, उसे कोई फर्क नहीं गिरता। इज दिस क्लियर? तो ये पॉइंट भी एकदम क्लियर हो गया, श्योर। नाउ सेक्शन 128, सेक्शन 128 क्या कहता है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी। मतलब ये श्योरिटी की लाइबिलिटी पर चर्चा करते हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विथ डेटर। क्या कहा, लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विथ दैट ऑफ डेटर। अब ये को एक्सटेंसिव विथ दैट ऑफ डेटर का ये जो शब्द है, ये जो आपको दिख रहा है ये जो शब्द है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि श्योरिटी वो हर चीज के लिए लाइबल है जो चीज के लिए डेटर लाइबल है। यस, इसका मतलब कल जाकर डेटर ने, एग्जाम्पल एक व्यक्ति ने HDFC बैंक से कुछ लोन लिया था जिसकी गारंटी एक व्यक्ति ने दी थी। अब जिसने लोन लिया था, समझ लीजिए उसने कोई EMI को डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है, कोई EMI को डिफॉल्ट कर दिया, तो डिफॉल्ट करने के बाद बैंक ने उसके ऊपर कोई चार्जेस लगाए, पेनल्टी इंटरेस्ट लगाई। अब फिर भी वो व्यक्ति नहीं दे रहा है तो वो क्या करेंगे, श्योरिटी को कांटेक्ट करेंगे और श्योरिटी को क्या कहेंगे कि भैया देखिए आपने जिसकी गारंटी ली थी वो तो पैसे नहीं दे रहा है, अब आप हमें पैसे दे दो। तो श्योरिटी ने जो है तो वो जो बोला कितना लोन बाकी है उसके पैसे दे दिए, लेकिन बैंक ने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आपको पेनल्टी और हमने जो डिफॉल्टिंग चार्जेस लगाए थे वो भी देना पड़ेगा। तो श्योरिटी ने कहा मैं वो क्यों दूं, मैंने तो लोन की गारंटी ली थी। तो याद रखना है यहाँ पर क्या बोला है कि भैया द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज कोइंस्टेंसिव। कोइंस्टेंसिव का मतलब है डेटर जिस पैसों के लिए लाइबल है उन सब पैसों के लिए श्योरिटी भी लाइबल रहेगा। एकदम क्लियर, श्योर अबाउट दिस? सच्ची में
लेकिन मैंने यहाँ पर, अगर आप मेरे यहाँ पर थोड़ा सा अच्छी तरह से नीचे देखिए, मैंने जानबूझ से ये लिखा है, ये क्या लिखा है, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अभी अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में श्योरिटी ने जब गारंटी दी तब क्लियरली मेंशन किया था कि देखो भैया मैं जो है ना बस इतना ही दूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं दूंगा, ऐसा अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले से मेंशनड है तो फिर आपकी लाइबिलिटी उतनी ही एक्सटेंड तक लाइबल रहोगे आप। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है तो याद रख लेना, कॉन्ट्रैक्ट में अगर स्पेसिफिकली कुछ मेंशन नहीं किया है तो याद रख लेना कि आपकी लाइबिलिटी इज कोएक्सटेंस। क्लियर है? मतलब हर चीज के लिए आप लाइबल रहेंगे। नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी विल अराइज ओनली ऑन द डिफॉल्ट ऑफ डेटर। ऑब्वियसली यार, मतलब आप ऐसा नहीं हो सकता कि तीन ईएमआई जो है वो डेटर से ले रहे हो, तीन ईएमआई श्योरिटी से ले रहे हो। आप समझ के चलना है क्रेडिटर डेटर से ही आपके व्यवहार है। आप श्योरिटी को कॉल कब करेंगे, आप श्योरिटी के पास कब जाएंगे, जब डेटर ने डिफॉल्ट किया हो। तो याद रखना है आप डायरेक्टली ऐसे श्योरिटी के पास अप्रोच नहीं करेंगे। आप श्योरिटी कब आएगा पिक्चर में, जब डेटर ने अपने हाथ ऊपर कर दिए, जब डेटर ने कह दिया कि भैया मैं पैसे नहीं देने वाला हूं। क्लियर है? नेक्स्ट, नाउ व्हेन अ डेटर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिफेक्ट, द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी ऑल्सो सीज। इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट डज इट से, इट सेज इफ देयर इज सम डिफेक्ट इन द डॉक्यूमेंट, राइट, जिससे आप डेटर को ही लायबल नहीं ठहरा पा रहे हो तो फिर श्योरिटी कैसे लायबल होगा। तो मेक श्योर करना कि अगर डॉक्यूमेंट के वजह से कोई फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज है वो आपने कंप्लीट नहीं करी, और किसी तरह से अगर डेटर लायबिलिटी से बच गया तो बाय डिफॉल्ट श्योरिटी की भी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। श्योर अबाउट दिस? नेक्स्ट, श्योरिटीज लायबिलिटी कंटिन्यूज इवन इफ द डेटर हैज नॉट बीन सून और ओमिटेड फ्रॉम बीन सून। इन अदर वर्ड्स, अ क्रेडिटर मे चूज टू प्रोसीड अगेंस्ट द श्योरिटी फर्स्ट अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी। अब इसका मतलब क्या, थोड़ा समझिए। समझ के चलिए कि डेटर ने क्रेडिटर को पैसे देने से इनकार कर दिया, ठीक है, तो क्रेडिटर को गुस्सा आ गया। क्रेडिटर ने क्या कहा, क्रेडिटर ने तुरंत श्योरिटी पर, श्योरिटी से पैसे वसूलने की जो प्रोसीजर है उसे स्टार्ट कर दिया। अब यहां पर ये कहता है कि श्योरिटी ऐसा नहीं बोल सकता कि तुम डायरेक्ट मुझसे कैसे पैसे वसूल कर रहे हो, पहले डेटर से तो आप रिकवर करने की कोशिश करो, रिकवर नहीं होते हैं तो फिर मैं देता हूं। गाइस, रूल कहता है ये क्रेडिटर के हाथ में है कि क्या उसे पहले जितनी भी लीगल रेमेडीज है उसके पास, क्या वो पहले ये सब लीगल रेमेडीज डेटर से पैसे रिकवर करने के लिए यूटिलाइज करना चाहेगा या डायरेक्टली ही वॉन्ट्स टू प्रोसीड अगेंस्ट द श्योरिटी। इफ ही कंसिडर्स दैट आई वॉन्ट टू डायरेक्टली प्रोसीड अगेंस्ट द श्योरिटी, देन दैट कैन बी डन। बट आपने देखा फिर से नीचे क्या लिखा है यहाँ पर, अनलेस देर इज एन एग्रीमेंट टू कॉन्ट्ररी। इसका मतलब अगर एग्रीमेंट में पहले से लिखा हो जहाँ पर श्योरिटी कहे कि हाँ मैं लाइबल तो रहूंगा, मैं गारंटी तो दे रहा हूँ, लेकिन अगर कभी डिफॉल्ट होता है तो पहले क्रेडिटर जो है वो डेटर पे केस फाइल करेगा, ये करेगा, वो करेगा, उसके बाद अगर डेटर ना दे तो ही मैं पैसे दूंगा, हाँ तो फिर क्रेडिटर के पास ऑप्शन नहीं है, फिर तो उसको पहले सब लीगल रेमेडीज जो है वो डेटर के ऊपर अपनानी पड़ेगी, फिर जाकर ही वो श्योरिटी से पैसे ले सकता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ मेंशन ना हो तो क्रेडिटर का कॉल है, ही कैन आइदर डायरेक्टली प्रोसीड अगेंस्ट द श्योरिटी और ही कैन ऑल्सो प्रोसीड अगेंस्ट द डेटर। इज दिस क्लियर? तो यहां पर मैंने कंक्लूजन किया है, मैंने क्या कंक्लूड किया है, क्या मिल हमें इससे समझ में आ रहा है, इस कंक्लूजन को बड़े ध्यान से देखिए। ये कंक्लूजन क्या बता रहा है, ये कंक्लूजन बता रहा है कि पहली तो लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज सेकेंडरी, हमें ये समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि उस वो पिक्चर में कब आएगा, जब डेटर है वो डिफॉल्ट करेगा। सेकेंड, उसकी लाइबिलिटी अराइजेज इमीजिएटली एज ऑन द डिफॉल्ट ऑफ डेटर। एंड थर्ड, द क्रेडिटर हैज अ राइट टू सू द श्योरिटी विदाउट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द डेटर। ये उसका कॉल है कि उसको क्रेडिटर का कॉल है कि उसको पहले श्योरिटी से पैसे लेने हैं या डेटर से पैसे लेने हैं। बताइए क्या एकदम क्लियरली और अच्छी तरह से पूरा समझ में आ गया? श्योर अबाउट दिस? सो दीज वर द सेक्शंस दैट वी हैव डिस्कस्ड, 126, 127, 128 एंड 129। आई इफ यू वांट आई कैन गो थ्रू अ क्विक रिविजन ऑफ वॉट एवर वी हैव डन टिल नाउ इन 3 to 4 minutes, एंड लेट अस क्विकली डू। सो ये कुछ सेक्शंस हमने करे थे, और पहले हमने सेक्शन 126 देखा जिसमें हमने कहा कि यहाँ पर तीन पार्टीज होती है, और ये तीन पार्टीज जो होती है वो होती है श्योरिटी, डेटर और क्रेडिटर। और श्योरिटी एक गारंटी लेता है डेटर की कि अगर डेटर ने पैसे नहीं दिया तो मैं पैसे दे दूंगा, और ये गारंटी जो है वो क्रेडिटर को दी जाती है।
अब यहाँ पर इसीलिए हमने एग्जांपल्स लिए थे दैट देर आर थ्री पीपल ए बी एंड सी, जहाँ पर बी ने पहले एग्जांपल में सी को 10,000 दिए थे, लेकिन वो दिए थे ये कंडीशन पर कि ए गारंटी ले रहा है कि अगर सी ने नहीं लौटा है तो ए बी को पैसे दे देगा। दूसरे एग्जाम्पल में ए ने LIC से लोन लिया था और LIC ने उसे लोन दिया था ये बोलकर कि बी अगर गारंटी ले, बी एक प्रॉमिस दे कि अगर ए ने डिफॉल्ट किया तो बी जो है वो उसको अपने पैसे लौटा देगा। इससे हमें समझ में आया कि यहाँ पर तीन लोग होते हैं और यहाँ पर तीन कॉन्ट्रैक्ट होता है। पहला तो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट होता है डेटर और क्रेडिटर के बीच, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है एक श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच, जहाँ पर श्योरिटी गारंटी देता है क्रेडिटर को डरना मत, और तीसरा एक इम्प्लाइड बात है कि जब श्योरिटी डेटर को अपनी लाइबिलिटी से मुक्त कर दे तो ये डेटर का फ़र्ज़ है कि वो श्योरिटी को पैसे सब जितना भी उसने दिया है वो लौटा दे। जो कुछ फीचर्स हमने देखे, सबसे पहला था डेट, जहाँ पर ये कॉमन सेंस है कि एक प्रिंसिपल डेटर का होना ज़रूरी है, एक डेट का होना ज़रूरी है जिसके लिए वो गारंटी दी जाए। सेकंड, कंसिडरेशन में क्लियर बोला है कि हाँ जब कंसिडरेशन ही नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड होता है, लेकिन अब इस पर्टिकुलर गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई कंसिडरेशन क्रेडिटर की तरफ से श्योरिटी को पास हो। देर इज़ एन इनडायरेक्ट कंसिडरेशन दैट हैज़ बीन पास फ्रॉम क्रेडिटर टू डेटर बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ द गारंटी गिवन बाय द श्योरिटी ओनली द क्रेडिटर हैज एंटर इन टू सच कॉन्ट्रैक्ट, सो दिट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी होना ज़रूरी है, लीगली एनफोर्सेबल और टाइम बार्ड ना हो, झूठ नहीं बोलना है। अगर आपने श्योरिटी को झूठ बोलकर या कुछ छुपाकर उससे गारंटी ली है और उसको पता चल जाए तो आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, उसकी गारंटी कभी वैलिड ही नहीं होगी, वो वॉइड हो जाएगी। राइटिंग में ये कॉन्ट्रैक्ट को रहना ज़रूरी नहीं है। और नीचे हमने देखा कि अगर कोई श्योरिटी ये कंडीशन पर अपनी श्योरिटी देता है कि सब्जेक्ट टू कोई दूसरा व्यक्ति भी मेरे साथ को श्योरिटी बनेगा, तो ऐसी ऐसी गारंटीज तभी एनफोर्सेबल होगी जब वो दूसरा को श्योरिटी भी एग्री करे। अगर उसने वो नहीं किया तो जो ए ने श्योरिटी दी थी इस एग्जाम्पल में वो इनवैलिड हो जाएगी। नेक्स्ट हमने काइंड ऑफ गारंटी देखी कि अगर आप पर्सन की गारंटी लेते हो तो वो फिडेलिटी गारंटी हो जाती है, और अगर आप पैसों की गारंटी है तो हमने दो टाइप देखे, एक तो रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का यहाँ पर अर्थ ये था कि आपने जो है पहले से ही दो डेटर और क्रेडिटर के बीच में पैसों का लेन देन हो गया था, पीछे से गारंटी दी, और प्रोस्पेक्टिव गारंटी का मतलब होता है कि आपकी गारंटी के बाद ही पैसों का व्यवहार हुआ है। नेचर ऑफ पेमेंट में स्पेसिफिक गारंटी का मतलब होता है सिर्फ एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी देना, ऐसी गारंटी रिवोक नहीं हो सकती। कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब होता है कि आपने एक समय तक की गारंटी दी है जिसमें जितने भी ट्रांजैक्शन हो उसके लिए आप लायबल है, आप ऐसा एग्री करते हैं। कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो सकती है, लेकिन याद रखना है वो रिवोक हो सकती है सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए, जो ट्रांजैक्शंस पहले से हो चुके उसके लिए आप रिवोक नहीं कर सकते। और फिर हमने कुछ डिस्टिंग्विश देखे कि इंडेमनिटी में दो लोग होते हैं और गारंटी में तीन लोग होते हैं। इंडेमनिटी में इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी प्राइमरी है, गारंटी में जो लाइबिलिटी प्राइमरी है वो डेटर की है, सेकेंडरी लाइबिलिटी श्योरिटी की है। यहाँ पर कोई कंटिजेंसी हो जाने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है। गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट कभी कोई नॉन परफॉर्मेंस और नॉन पेमेंट करे तब होता है। इंडेमनिटी में इंडेमनिटी होल्डर को बोलने की ज़रूरत नहीं, इंडेमनीफायर को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है, लेकिन श्योरिटी तो गारंटी तभी देता है जब डेटर उसे रिक्वेस्ट करता है। इंडेमनीफायर जो है वो थर्ड पार्टी को सू नहीं कर सकता जब तक कि इंडेमनिटी होल्डर उसके राइट्स इंडेमनीफायर के फेवर में असाइन ना करे, लेकिन गारंटी में श्योरिटी डेटर से पैसे ले सकता है एज सुन एज उसने डेटर को अपने सब लाइबिलिटी से मुक्त किया हो, मतलब जब वो क्रेडिटर को सब पैसे दे देगा तो अब श्योरिटी कैन प्रोसीड अगेंस्ट द डेटर फॉर रिकवरिंग द ड्यूज। इंडेमनिटी इज फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ लॉस एंड गारंटी इज फॉर द सिक्योरिटी ऑफ क्रेडिटर। इन इंडेमनिटी ऑल द पार्टीज शुड बी कॉम्पिटेंट इन गारंटी, इवन इफ अ डेटर इज इनकॉम्पिटेंट द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। वॉट इज इंपॉर्टेंट इज दैट द श्योरिटी शुड बी कॉम्पिटेंट, इफ द श्योरिटी इज कॉम्पिटेंट द कॉन्ट्रैक्ट विल वैलिड, द श्योरिटी इज इनकॉम्पिटेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट इट विल बी वॉइड। एंड द लास्ट पार्ट दैट वी सॉ इज कि श्योरिटी की लाइबिलिटी इज को एक्सटेंसिव। को एक्सटेंसिव का मतलब होता है डेटर जो भी पैसों के लिए लाइबल है उन सब के लिए श्योरिटी भी लाइबल होगा। डेटर के डिफॉल्ट होने के बाद ही श्योरिटी की लाइबिलिटी आती है। यहाँ पर रूल कहता है कि डेटर के नॉट बी हेल्ड लाइबल ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिफेक्ट इन द डॉक्यूमेंट। अगर ऐसा हो तो श्योरिटी भी अपनी सब लाइबिलिटीज से मुक्त हो जाएगा और श्योरिटी की लाइबिलिटी कंटिन्यू करेगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि क्रेडिटर को पहले डेटर के खिलाफ जाना है, वो डायरेक्ट क्रेडिटर के सॉरी क्रेडिटर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि क्रेडिटर को डेटर के डायरेक्ट खिलाफ जाना है, वो चाहे तो डायरेक्ट श्योरिटी से भी पैसे मांग सकता है, अनलेस ऑब्वियसली कॉन्ट्ररी मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर पहले से कॉन्ट्रैक्ट में मेंशनड हो कि श्योरिटी
को जो है मेंशन किया है कि पहले आपको सब लीगल रेमेडीज जो है वो डेटर्स के खिलाफ यूज करनी है, तो फिर वैसा क्रेडिटर को करना पड़ेगा. श्योर अबाउट दिस? सो दीज वर द फोर सेक्शंस दैट वी हैव डन इन डेप्थ. इट वॉज अ वेरी नाइस सेशन, होप यू ऑल लाइक. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. पार्ट टू में हम लोग आगे के सेक्शंस को भी कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू वेरी मच.